दोस्तों मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफोन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 5G सर्विसेज के बारे में। वोडाफोन जो है वो 5G सर्विसेज लेके आने वाला है बड़े ही जल्दी, जुलाई 3 जुलाई तक जो है वोडाफोन अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च कर देगा। और वोडाफोन का कहना है कि उनकी 5G सर्विसेज की प्राइस जो है वो लगभग 4G सर्विसेज के बराबर ही रहने वाली, यानी भैया कमाल होने वाला है। सॉरी, ये न्यूज जो है ये यूके के लिए, वोडाफोन यूके लॉन्च करने वाला है अपनी 5G सर्विस 3 जुलाई में। इंडिया के अंदर अभी 5G का कोई भविष्य हमें दिख नहीं पाता है। क्या पता एयरटेल अपनी 5G सर्विस लेके आ पाएगा इंडिया के अंदर, या लेके आ पाएगा वोडाफोन पहले, या फिर जियो हमारे जो अंबानी साहब हैं वो कुछ कमाल कर देते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में हमें क्या मिलता है 5G के अंदर। सबसे पहले 5G के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि इस 5G की जो रेंज है वो थोड़ी सी कम होने वाली है, क्योंकि जो इसकी जो वेव लेंथ है इनकी वो थोड़ा सा कम है, इसलिए इसकी जो रेंज है वो कम हो पाएगी। लेकिन इसके अंदर जो है हमें कनेक्टिविटी जो है बड़ी ही शानदार मिल पाती है। और यदि बात करें इस फ़ोन की स्पीड की, तो ये 4G के कंपैरिजन हमें 10 टाइम फास्टर जो है डाउनलोड स्पीड हमें प्रोवाइड करा पाएगा। और यदि बात करें इस फ़ोन की कनेक्टिविटी की, सॉरी 5G सर्विस की कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी होने वाली है बड़ी ही शानदार। 0% लेगेसी के साथ हमें जो है इस फ़ोन की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहले आपको क्या लगता है कि 5G जो है वो कौन लेके आ पाएगा इंडिया के अंदर। क्या जियो अपनी 5G सर्विसेज लेके आ पाएगा, या फिर वोडाफोन, या फिर एयरटेल, या आइडिया, या फिर इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ नया ही हमें देखने को, कोई नई ही कंपनी हमें देखने को मिलती है 5G सर्विसेज के बारे में। आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरा विचार है, मेरे को लग रहा है कि वोडाफोन जो है वो अपनी 5G सर्विसेज जो है वो सबसे पहले लेके आ सकता है इंडिया के अंदर। लेकिन देखते हैं भैया अब क्या होता है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ये तो श्योर है कि जिस तरीके से यूके के अंदर 5G सर्विसेज वोडाफोन लॉन्च कर रहा है, तो वोडाफोन ने ये अनाउंस किया है कि उनकी जो 5G के जो प्लान्स है वो लगभग जो है वो 4G सर्विसेज के बराबर ही रहेंगे। तो यानी मतलब कि 5G जो है वो महंगा तो नहीं होने वाला है, यानी कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें जो है बड़े ही शानदार और कम प्राइस के अंदर मिल पाएगी, यानी हम यूज़ कर पाएंगे और ज़्यादा डेटा। देखते हैं ये 5G रेवोल्यूशन जो है इंडिया के अंदर कौन लेके आ पाता है। यदि जियो जैसा कुछ एक और नया प्लान आ जाए 5G के बारे में, तो भैया मज़ा ही आ जाएगा। आपका क्या विचार है हमें बताइएगा, क्या आपको लगता है। लेकिन हाँ, इस बात के अंदर जो है हमारे पास एक और सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, वो ये आएगा कि हमें जो है हमारे हार्डवेयर यानी हमारी डिवाइस हैं वो हमें अपग्रेड करने पड़ेंगे। यानी जिस तरीके से अभी फ़िलहाल कोई 3G फ़ोन्स को नहीं पूछता, उस तरीके से आने वाले कुछ टाइम में जो है 4G फ़ोन भी ये 3G फ़ोन की तरह जो है कचरा हो जाएंगे। तो देखते हैं कि बेस्ट 5G फ़ोन हमारे लिए कौन सा रह पाता है। सैमसंग का जो गैलेक्सी S10 5G है वो अभी हमारे पास अवेलेबल है। हुआवे का Mate X20 जो है वो, सॉरी, हुआवे Mate 20 5G वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। हुआवे का फोल्डिंग फ़ोन जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है 5G सर्विसेज के अंदर। ऐसे में Xiaomi जो है अपना Mi 3 जो है वो 5G फ़ोन जो है वो लेके आ चुका है। लिनोवा का 5G फ़ोन अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है ZTE का जो है ZTE Exynos 10 Pro जो है वो 5G फ़ोन हमारे पास अभी मार्केट में अवेलेबल है। वैसे ये इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। हाँ, इसके अलावा यदि हम बात करें तो LG का V15 ThinQ जो है हमारे पास एक काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो है 5G स्मार्टफोन, फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो अवेलेबल है। और इस फ़ोन के यदि डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे जो चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स रिव्यू मैंने किया उस फ़ोन के बारे में, कुछ बताने की कोशिश की है। तो ये था कुछ 5G के बारे में। आपको उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने ज़्यादा बोर आपको नहीं किया होगा। यदि वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम इसे इम्प्रूव कर सकें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो बनाने की हिम्मत। धन्यवाद।